हेलो एवरीवन, वेलकम पंकज किराना और एक न्यू फ्रेश वीडियो में आप सभी दर्शकों का हमारे पंकज किराना यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले सिगरेट बिजनेस के बारे में। सिगरेट बिजनेस पे आप करते हो होलसेल में तो आपको क्या मार्जिन बचती है, और रिटेल में करते हो तो क्या मार्जिन आपको रहती है। दोस्तों, और एक बेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले, आज की किराना शॉप में आप जो आइटम्स रखते हो एक्सपायर हो जाते तो उसका क्या करना चाहिए। दोस्तों, क्या रिप्लेसमेंट पॉलिसी होती है हर आइटम की, उसके बारे में भी डिटेल से जानेंगे आज हम। दोस्तों, आपके पास किराना शॉप है तो वीडियो में एंड तक बने रहे हमारे साथ। दोस्तों तो दोस्तों सबसे पहले हम टॉपिक लेंगे सिगरेट के बारे में। देख सकते हैं हमारे तब सिगरेट, दोस्तों हम होलसेल में करते नहीं सिगरेट, ज्यादातर हम रिटेल में माल बेचते हैं। दोस्तों, हमारे काउंटर पे जो पांच शॉप वाले थोड़े बहुत आते उनको माल देते हम। दोस्तों, तो होलसेल का ऐसा रहता है दोस्तों, जजमेंट सिगरेट का, आप होलसेल करते हो तो पॉकेट के पीछे आपको एक रुपए से डेढ़ रुपए तक बच जाता है। आप हजार रुपए का माल सिगरेट करते हो तो 20 से 30 रुपए आपको हजार रुपए के पीछे बच जाएंगे। दोस्तों, होलसेल में बहुत ही कम मार्जिन पे आपको सेल करना पड़ता है, लेकिन आप चिल्लर में पांच शॉप वाले हो, एक चिल्लर में माल बेचते हो सिगरेट का दोस्तों, तो आपको फिर अच्छा खासा प्रॉफिट रह जाता है। दोस्तों, फिर हजार रुपए का माल कभी सिगरेट का बेचते हो आप तो आराम से 200 रुपए इजी आप कमा सकते हो। जो होलसेलर भाई हमारे ITC सिगरेट पे तो बहुत ही कम मार्जिन रहती है, लेकिन जो लोकल ब्रांड के ऑर्डिनरी सिगरेट रहते हैं दोस्तों, वो बेचते तो पॉकेट के पीछे शायद उनको 5-10 रुपए बच जाएंगे। हजार रुपए का माल बेचे तो 100-150 रुपए बच जाएंगे उनको। दोस्तों, बाद में बात करेंगे एक्सपायर माल का क्या करते हैं हम। हर दुकानदार को एक्सपायर माल का क्या करना पड़ता है दोस्तों, कितना भी ख्याल दे हम किराना शॉप में, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि वो एक्सपायर हो ही जाती है। दोस्तों, एक्सपायर का हर किराना शॉप ग्रोसरी शॉप वाले को सामना करना पड़ता है। जैसे हमारे तरफ देख सकते हैं आप, बहुत सारे वैरायटी के मसाले हैं, मसालों में मिनिमम हमारे तरफ 100 वैरायटी के मसाले पूरे खाने देख सकते भरे हुए, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम से लेके 5 ग्राम तक मसाले अवेलेबल होते हैं। लहसुन, अदरक, धनिया, पुदीना, हर किस्म का मसाला आता है दोस्तों। तो कुछ मसाले देख सकते हैं हमारे तरफ, RBM का मसाला एक्सपायर हो चुका है दोस्तों। MRP की बात की जाए इसकी तो 90 रुपए का आता है, 120 रुपए MRP होती है 200 ग्राम के पाउच पे, तो इससे 2-4 पाउच हमारे तरफ एक्सपायर हो चुके हैं, तो ये कस्टमर को दे नहीं सकते हम दोस्तों, तब इतना हमारा लॉस हो ही गया। इसका रिटर्न पॉलिसी नहीं थी दोस्तों, तो रिटर्न जाएगा भी नहीं मसाला हमारे तरफ। लेकिन जो कुछ आइटम होते हैं बोर्नविटा, समझ आपको समझाने के लिए बोल रहे हम, बोर्नविटा ये जो बॉटल दोस्तों एक्सपायर हो जाती, खराब हो जाती तो कंपनी की रिप्लेसमेंट पॉलिसी हमें बदल के मिल जाती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है, मिनिमम 90% चीजें किराना शॉप में ऐसे होती है कि उसकी रिप्लेसमेंट पॉलिसी नहीं रहती। दोस्तों, मसाले बहुत सारे आते हैं हमारे तरफ, पुराने आगे लेने पड़ते, नए पीछे डालने पड़ते हमें, लेकिन गलती से एक अंधे बार नया माल आगे लगाते जाते, पुराना माल रहता है दोस्तों तो पीछे ही रह जाता है, तो ऐसे में पुराना माल की डेट खत्म हो जाती है और वो एक्सपायर हो जाता है। अब दिवाली का सीजन है, गुलाब जामुन का माल हमने बहुत सारा स्टॉक कर लिया है, देख सकते है 2-3 वैरायटी का, तो इसमें से कुछ पॉकेट बच जाते हैं दोस्तों, बाद में बिके जाते नहीं, तो एक्सपायरी डेट जल्दी खत्म होती रहती है गुलाब जामुन पॉकेट्स के, आपको पता ही होगा। तो ऐसे में कुछ कंपनी के गुलाब जामुन की पैकिंग जो खराब हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, तो रिप्लेसमेंट गारंटी नहीं रहती दोस्तों। ऐसे में बहुत सारा लॉस आपको किराना शॉप में लेना पड़ता है, उठाना पड़ता है दोस्तों। वैसे सेंगदाना देख सकते हैं आप, सेंगदाना भी खराब हो जाता है आपका, तो कोई भी प्रकार की रिप्लेसमेंट पॉलिसी नहीं रहती, इसको पूरा अंक पे आपका गिर जाता है, पूरा लॉस हो जाता है। ग्रोसरी शॉप वालों को, भाइयों को मेरे बहुत सारा लॉस झेलना पड़ता है। किराना शॉप में बहुत सारे कॉस्मेटिक आइटम्स भी होते हैं जो बिकती नहीं है, लाते हैं लेकिन तो लॉस होता है। खोपरा में भी, खोपरे को बारिश के दिनों में बहुत सारा बुर्रा आ जाता है, खराब हो जाते हैं, तो लॉस आपको झेलना पड़ता है ग्रोसरी शॉप में थोड़ा बहुत दोस्तों। तो ये जानकारी थी आपको कुछ चीजों के बारे में दोस्तों, जो ग्रोसरी शॉप डालना चाहते हैं हमारे भाई उनके लिए आइडिया दे रहे कि आप ग्रोसरी शॉप डालते हो तो खराब होने वाली चीजें कम भरी, जैसे सेंगदाना हो गया, खोबरा हो गया, ये चीजें जल्दी खराब होती है, आपकी दाला हो गया, तो ये चीजें खराब होती है जल्दी और रिप्लेसमेंट पॉलिसी भी नहीं रहती दोस्तों। इसकी दालों को कीड़ा लग जाता है, कोई जाला लग जाता है, तो कस्टमर ऐसे में लेता नहीं है माल, तो आपको लिमिटेड भरना चाहिए दोस्तों। आपके शॉप पे इसकी डिमांड है, मांग है, तो बाद में आपको विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि माल मंगाए, स्टॉक करे या ना करे दोस्तों इसके बारे में भी। तो ये जानकारी थी, अच्छी लगी होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। आने वाले दिनों में और बेहतरीन वीडियो हम हमारे चैनल पे लाने की कोशिश करने वाले दोस्तों। इंडिया का फर्स्ट ग्रोसरी रिलेटेड चैनल है, हमारे 25K सब्सक्राइबर जल्दी कम्प्लीट होने वाले,
दोस्तों सपोर्ट दिखाया आपका, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यहाँ तक आ ही चुके हो तो दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी और एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक किस वीडियो पे ले सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में।